तो अपन पढ़ते हैं 6 मई का करंट. सो 6 मई, जीरो डिपेंडेंसी कोड प्रोजेक्ट. इसका मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट है उसके अंदर ये पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कि सारे केस खत्म कर दिए जाए, पेंडिंग केसेस. तो आपको हाई कोर्ट जो होता है उसको रिवाइज करना है लक्ष्मीकांत से, तो इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट चलते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. ये आरबीआई ने अभी किसी के ऊपर फाइन लगाया है अकॉर्डिंग टू द पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट. तो इसको देखते हैं कि ये पीपीआई क्या होते हैं. पीपीआई के तहत केवाईसी जो है वो मैंडेटरी है, केवाईसी करना, नो योर कस्टमर. तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो जिससे आप गुड्स और सर्विसेज दोनों ही खरीद सकते हो. बेचना तो वो ऑब्वियस बात है, जो जारी करेगा वही करेगा, लेकिन इसमें लिखा हुआ है परचेज कर सकते हो आप. तो अब प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे आपके पास वॉलेट हो गए, जैसे पेटीएम वॉलेट वगैरह हो गए, वाउचर्स वगैरह हो गए और स्मार्ट कार्ड हो गए. तो ये एक्चुअली क्या होते हैं, प्रीपेड नाम से पता चलता है कि पहले आपको क्या है कि आपने इसमें पेमेंट डलवाना पड़ेगा, उसके बाद में आप कुछ खरीद सकते हो. तो इट्स ए प्री लोडेड वैल्यू होती है जिससे आप गुड्स और सर्विसेज, इसके अलावा इंटर पर्सनल रिमिटेंस ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो. लेकिन ध्यान रखना इंटर कंट्री, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप पैसा नहीं भेज सकते इससे. तो जो लाइसेंस होता है वो रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक के द्वारा, और 3 तरह के होते हैं इसके अंदर, क्लोज, सेमी और ओपन तरह के पीपीआई होते हैं. सो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बस बट यू शुड नो पीपीआईज क्या होते हैं. कार्बन न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि फॉसिल फ्यूल को यूज़ नहीं करना है ताकि ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन ना हो. तो अभी यूके की जो पार्लियामेंट है, यूनाइटेड किंगडम, उसने बोला है कि हम इसको 2030 तक ऐसा अचीव कर लेंगे. यूनाइटेड नेशन का पेरिस एग्रीमेंट 2016 के अंदर साइन हुआ था जिसमें ग्लोबल टेम्परेचर को 2021 सॉरी 2000 यानी 2100 जो सेंचुरी है अपनी की, उसके प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक अपन को 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करना है, या उससे ज़्यादा टेम्परेचर हमारा नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर आइडियली देखा जाए तो 1.5 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए. तो अगर 2 डिग्री तक भी पहुँच गया तो इट इज़ वेरी डेंजरस. तो इसके ऊपर IPCC जो है उसने रिपोर्ट जारी की है, अपने को वी ऑलरेडी नो अबाउट इट. नेक्स्ट चलते हैं आदित्य L1 की अपन बात करें. तो आदित्य L1 इसरो जो इस पे काम कर रहा है, ये भारत का पहला सोलर मिशन होने वाला है जिसमें क्रोनो और क्रोमोजोस्फीयर है उसकी स्टडी करेंगे सूरज की. इसको जो है होलो ऑर्बिट और लिंगेरियन 0.1 में भेजा जाएगा. यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है ये पूरा होलो ऑर्बिट होता है, L1 से लगा करके L3 जो है उसको होलो ऑर्बिट कहते हैं. और टोटल जो है 5 अपने पास जो है इस तरह के लिंगेरियन पॉइंट हैं दैट यू शुड रिमेम्बर. सो वी ऑलरेडी कवर्ड दिस. नेक्स्ट चलते हैं आर्सेनिक कंटेमिनेशन. आर्सेनिक जो होता है वो वैसे होता है टॉक्सिक होता है जो कि पैसिफिक ओशन में नुकसान पहुंचा रहा है. सो इसके लिए भी कुछ आया है. इन सीटू रिमेडिएशन का मतलब होता है जो जहाँ पे ओरिजिनल जगह पे इलाज करना है आपको, और एक्स सीटू का मतलब है कि उस जगह से निकाल करके जैसे बायोलॉजिकल पार्क वगैरह वगैरह वहाँ पे इलाज करना है किसी का भी. तो एक्स सीटू मतलब जो ओरिजिनल जगह है उससे बाहर निकाल दो उसको. नेक्स्ट चलते हैं इलेक्शन कमीशन की बात करें तो उसके ऊपर कुछ विवाद चल रहे हैं. इलेक्शन कमीशन जो होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर्स, उसको प्रेसिडेंट द्वारा 6 साल के लिए और 65 ईयर्स तक जो है अपॉइंट किया जाता है. और इसके जो पे पक्स होते हैं या सैलरी जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होती है. तो आर्टिकल 324 आपको याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर होता है कि वो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, डायरेक्ट करवाता है. आर्टिकल 324(2) में ये लिखा हुआ है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं पे भी जो मेंबर होते हैं उसकी संख्या फिक्स नहीं कही गई है कि भाई 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर कितने मेंबर होंगे इलेक्शन कमीशन के अंदर. लेकिन जो प्रेसिडेंट जो होता है वो डिसाइड करता है कि भाई कितने मेंबर रखने हैं. प्रेसिडेंट विल डिसाइड लेटर. पहले शुरुआत में इलेक्शन कमीशन में 1 मेंबर हुआ करते थे, फिर राजीव गांधी ने इसको 3 कर दिए, फिर वीपी सिंह ने वापस 1 कर दिया, फिर नरसिम्हा राव जो थे उन्होंने वापस इसको 3 कर दिया. तो आज ये 3 ही है. तो 93 का जो है वो उसके तहत आज की तारीख में 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं. वाइट टाइगर्स की बात करें तो अभी संजय गांधी पार्क जो कि आपके मुंबई में है वहाँ पे उसकी डेथ हो गई है. वाइट टाइगर जो है अभी वाइल्ड के अंदर नहीं पाया जाता है. पुराने ज़माने के अंदर ये मेघालय सॉरी मध्य प्रदेश वगैरह में पाया जाता था, बिहार ऐसा में, लेकिन आज ये वाइल्ड में ख़त्म हो चुका है. रेवा फॉरेस्ट का है ये, मध्य प्रदेश के अंदर पाया गया था लास्ट टाइम. संजय गांधी जो पार्क है उस नेशनल पार्क, उसके अंदर एक केव्स है जिनको अपन कनहेरी केव्स के नाम से भी जानते हैं. सो दीज केव्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट. किंग रामा ये अपने काम का नहीं है, ये थाईलैंड की हिस्ट्री है, तो थाईलैंड की हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे अपन.
गुजरात के अंदर शॉप्स 24/7 खुली रह सकती है, ऐसा कुछ नियम अभी निकाला जा सकता है, निकाला गया है तो नॉट इम्पॉर्टेंट। INS रणजीत, ये एक कुछ मिसाइल डिस्ट्रॉयर है राजपूत क्लास की, नॉट इम्पॉर्टेंट। फॉल आर्मी वेयर जो है वो क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है कि मिज़ोरम के अंदर इस तरह के कीड़े मकोड़े पहुँच गए हैं, ये एक कीड़े मकोड़े इंडिया के 50% जगह पहुँच गया है। खरीफ क्या होता है, यू शुड नो, खरीफ क्रॉप्स, ये बेसिकली नेटिव जो है वो अमेरिका से हैं, फिर बाद में सबसे पहले 2016 में ये अफ्रीका में डिटेक्ट किए गए थे। लास्ट ईयर जो है यानी कि 2000 जो आपके 18 है उसमें इंडिया में डिटेक्ट किए गए थे ये। तो ये इसके लाइफ साइकिल बहुत छोटा सा होता है, 45 डेज का, पर काफ़ी नुकसान पहुँचाता है ये। अडल्ट जो है वो 100 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकते हैं। तो इंडिया के अंदर ये मेज़, ज्वार, शुगर, इन सबको नुकसान पहुँचा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, तोरण क्या होते हैं। तो ये तोरणा जो है आप देख सकते हो, बुद्ध के जो स्तूपा होते हैं, ये तोरण का मतलब ये गेट जो है, ये बड़ा सा जो गेट दिख रहा है आपको, यहाँ से आप एंट्री लेते हो इसके अंदर। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि तोरण वगैरह या स्तूपास क्या क्या होते हैं। तो सांची स्तूप जो है उसके अंदर ऐसे चार तोरण या चार गेट जो है दिखाई होते थे अपने को। फतेहपुर सीकरी बहुत बड़ी, ये जैसा आप देख सकते हो, फतेहपुर सीकरी के अंदर एक महल है जिसका नाम है पंचमहल। ये देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के ये जो महल, ये मतलब लेयर बनी हुई है, इसको पंचमहल कहते हैं अपन। हवा महल जो ऑब्वियस बात है जयपुर के अंदर, जंतर मंतर जो है वो जयपुर में भी है लेकिन दिल्ली का काफ़ी फेमस है, दिल्ली में भी है। इसके अलावा पंचमहल जो अपने बता ही दिया, जिसको अपन विंड वॉचर टावर कहते हैं, इसको सीकरवर जो राजपूत है उन्होंने इसको बिल्ड करवाया था, और इसके अंदर जो बुद्धिस्ट जो आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलता है पंचमहल के अंदर। नक्कर खाना जो है वो ड्रम हाउस होते हैं जी, ये एक्चुअली म्यूजिक हुआ करता था, म्यूजिक बजाया जाता था आपके मुगल काल के अंदर। अजंता केव्स की हम बात करें तो यहाँ पर आपको महापरिनिर्वाण और बुद्ध जो है देखने को मिलेगा। इसके अलावा पद्म पाणि और वज्र पाणि की मूर्तियाँ भी आपको देखने की मिलेगी, पेंटिंग देखने को मिलेगी। तो जो महापरिनिर्वाण जो थे बुद्धिस्ट जो थे उनका यहाँ पे हुआ था, और या इसके बाद असॉल्ट ऑफ मीरा, यानी असॉल्ट ऑफ माया होना चाहिए वैसे तो, पर यहाँ पे जो है माया का जो इन्होंने दमन किया था। इसके अलावा एलिफेंटा केव जो है वहाँ पर गुप्ता और चालुक्यों के आर्ट देखने को मिलते हैं। वहाँ पे त्रिमूर्ति, भगवान शिव की एक मूर्ति जिनके तीन हेड हैं। इसके अलावा यहाँ पे रावण जो है कैलाश पर्वत को उठा रहा है उसका भी है। तो एलिफेंटा केव यू शुड नो ऑल्सो। इसके अलावा जो आपकी जो एलोरा केव्स है वहाँ पर जो है भगवान बुद्ध का जो है धर्म परिवर्तन चक्र जो है, धर्म परिवर्तन चक्र उसको भी दिखाया गया है, उसकी मुद्रा के अंदर भी उनको दिखाया गया है। और पद्म पाणि और वज्र पाणि जो है वो आपके एलोरा के अंदर है। तो एलोरा में और एलिफेंटा में क्या डिफरेंस है, यू शुड नो। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। तो जो पाली लैंग्वेज है वो आपके मगध के अंदर बोली जाती थी, दैट्स ट्रू। त्रिपिटक जो है उसको पाली में लिखा गया, ये भी सही बात है। और कन्नड़ लैंग्वेज जो, अब द्रविड़ियन लैंग्वेज में सबसे पुरानी कौन सी है, वी डोंट नो, उसको पता लगाना पड़ेगा। तो पाली लैंग्वेज जो है संस्कृत के काफ़ी करीब हुआ करती थी, जिसको पाली लैंग्वेज को ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखते थे अपन। और त्रिपिटक जो है वो थेरावाद बुद्धिज्म से संबंध रखता है। हालांकि बुद्ध भगवान जो थे उन्होंने कभी पाली भाषा का प्रयोग नहीं किया था, वो हमेशा अरध या मगधी भाषा के अंदर ही बोला करते थे या अपने भाषण दिया करते थे। नेक्स्ट चलते हैं मुगल स्कूल की हम बात करें। तो मुगल स्कूल जो है नेचुरलिस्टिक यानी बिल्कुल नेचर यानी पेड़ पौधे वगैरह वो लगाते थे, और सेक्युलर थीम वगैरह हुआ करती थी, और पर्शियन स्कूल से काफ़ी प्रभावित था। पर्शियन ऑब्वियस से बात है, मुगल पर्शियन से प्रभावित होंगे। तो पेंटिंग के ऊपर जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था मुगल के अंदर, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है मॉडर्न स्लेवरी फंड जो है वो ब्रिटेन ने बनाया है। और नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए होती है। इसमें लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया जाता है, जिसको अपन आगे देखते हैं अभी। एक्सीडेंट इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का होता है, और जो लाइफ इंश्योरेंस है वो 30,000 रुपये का होता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 5,000 रुपये की दी जाती है। और ओनली वन हाउस होल्ड, यानी अगर फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं तो 5 में से सिर्फ एक बंदा ही ओवरड्राफ्ट कर सकता है, ठीक है। और स्पेशली लेडी हो तो ज़्यादा अच्छा है अगर वो ओवरड्राफ्ट करे तो। मलेरिया के अपन एलिमिनेशन की बात करें तो 2030 तक इसको इंडिया ख़त्म करना चाहता है। पिछले पास्ट 2 यानी 20 सालों में देखोगे तो मलेरिया कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो एक अच्छी बात है। सो 80% कम हुआ है, विच इज़ वेरी गुड।
ग्लोबल फूड पॉलिसी की हम बात करें तो ये एफ प्री द्वारा निकाली जाती है, ये एक इंडेक्स होती है, सो यू शुड नो। नेक्स्ट है शरम अल शेख डिक्लेरेशन। ये जो है इजिप्ट के अंदर एक जगह है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को लेकर के कुछ कन्वेंशन हुआ है, यूनाइटेड नेशन की ये कॉन्फ्रेंस होती है, तो COP24 का एक ये मीटिंग हुआ था, तो यू शुड नो यहाँ पर ये शरम अल शेख जो है डिक्लेरेशन किया गया था। दिस इज़ हाउ न्यूज़ फिनिश, थैंक यू।